हेलो व्हाट्सअप गाइस, आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन्स अंडर 10,000 रुपीज़। एक अच्छे गेमिंग फ़ोन की अगर क्वालिटीज़ की बात की जाए तो सबसे पहले उसमें एक अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा प्रोसेसर ही गेम को अच्छे से और अच्छी क्वालिटी पर रन कराने के लिए हेल्पफुल रहता है। और दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो उसमें एक अच्छी बैटरी भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि क्या फ़ायदा ऐसे डिवाइसेस का कि हम आधे घंटे गेम खेलें और बैटरी जो है वो डेड हो जाए, फिर हमें गेम को काट के रखना पड़ जाए। तो आज हमने जिन स्मार्टफोन्स को कंसिडर किया है अंडर 10 के, उसमें सबसे पहले मैंने देखा है कि किस में अच्छा प्रोसेसर है और किस में अच्छा बैटरी है। अगर अंडर 10 के वाले डिवाइसेस की बात करें तो अगर हमें मीडियाटेक का हीलियो G80 या G85 चिपसेट्स देखने को मिले तो ये दोनों ही बेस्ट होंगे अंडर 10 के रुपीज़, क्योंकि ये दोनों ही गेमिंग चिपसेट्स हैं और आज हमने जिन डिवाइसेस को लिया है उसमें यही दोनों चिपसेट्स रहने वाली हैं। सो नाउ लेट गेट स्टार्टेड। सो नंबर 5 पे हमने जो स्मार्टफोन को कंसिडर किया है वो है हमारे इंडिया का ही, जी हाँ, ये है माइक्रोमैक्स इन 1। ये आता है मीडियाटेक हीलियो G80 प्रोसेसर के साथ। साथ ही में इसमें 5000 मिली एम्पेयर आर की बैटरी दी गई है। 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ आने वाला ये डिवाइस नंबर 5 के लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन है। बात अगर इसके प्राइस की जाए तो ये डिवाइस आपको फ्लिपकार्ट पे करेंटली मिल जाएगा 9999 रुपीज़ में विदाउट एनी ऑफ़र। और अगर आप इस पे किसी बैंक ऑफ़र का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड वगैरह से काफ़ी कम दाम में ये आपको मिल सकता है। और जब फ्लिपकार्ट का कोई ऑफ़र चल रहा होता है, जैसे बिग बिलियन डेज वगैरह नए नए ऑफ़र आते रहते हैं फ्लिपकार्ट पे, तो उस समय ये आपको और भी कम दाम में देखने को मिल सकता है। टॉप 5 स्मार्टफोन्स की हमारे इस लिस्ट में नंबर 4 पे आता है रियलमी की तरफ से आने वाला रियलमी नार्जो 30A। अब इसको हमने नंबर 4 पे क्यों रखा है और माइक्रोमैक्स से किस वे में ज़्यादा बेटर स्मार्टफोन है, इसको नंबर 4 पे रखने का कारण ये है कि इसमें जो है वो मीडियाटेक का हीलियो G85 प्रोसेसर आता है और बैटरी के मामले में भी ये माइक्रोमैक्स से काफ़ी आगे है। इसमें 6000 मिली एम्पेयर आवर की बैटरी देखने को मिल जाती है। ये डिवाइस भी आपको 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ आपको अवेलेबल हो जाता है। बात करें इसके प्राइसिंग की तो करेंटली फ्लिपकार्ट पे ये 10,499 रुपीज़ दिखा रहा है, पर ऑफर्स के साथ ये आपको 10,000 से काफ़ी नीचे देखने को मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं हमारे नंबर 3 डिवाइस की तरफ। तो हमारे इस टॉप 5 की लिस्ट में नंबर 3 पे आता है रेडमी 9 प्राइम। अगर कुछ महीनों पहले की बात की जाए तो ये डिवाइस नंबर 1 पे आता था, लेकिन अभी कुछ और डिवाइसेज जो हैं वो इससे बेटर आ चुकी हैं, इसलिए इस डिवाइस को हमने रखा है नंबर 3 पे। सो नंबर 3 पे इसको इसलिए रखा गया है क्योंकि ये भी मीडियाटेक के हीलियो G80 प्रोसेसर के साथ आता है। साथ में इसमें आता है 5020 मिली एम्पेयर आर की बैटरी। जी हाँ, फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ गेमिंग एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी बेटर हो जाती है। साथ ही ये Redmi का डिवाइस है, सो इसमें दूसरे लो एंड डिवाइस स्मार्टफोन्स की कंपैरिजन में देखा जाए तो काफ़ी अच्छा जो है वो ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और आते हैं हमारे नंबर 2 डिवाइस की तरफ। नंबर 2 पे हमने कंसिडर किया है Xiaomi की तरफ से आने वाले पोको M2 को, क्योंकि जहां दूसरे डिवाइसेस जिस प्राइस रेंज में 4GB रैम आपको ऑफर करती हैं, ये डिवाइस आपको उतने ही प्राइस में 6GB रैम दे देता है। और अगर आपको 2GB रैम एक्स्ट्रा मिल जाए ना तो प्रोसेसर थोड़ा वीक भी रहे ना, फिर भी गेम काफ़ी तगड़ा चला देगा। ये डिवाइस भी आपको मीडियाटेक हीलियो G80 प्रोसेसर के साथ आता है। साथ में आपको 5000 मिली एम्पेयर आवर की बैटरी देखने को मिल जाती है। साथ में 6GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ आता है। ये डिवाइस करेंटली आपको फ्लिपकार्ट पे 9999 रुपीज़ में मिल जाएगा और ऑफ़र्स के साथ ये आपको और भी सस्ता मिल सकता है। अब फाइनली हम बढ़ते हैं हमारे नंबर 1 गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 10,000 रुपीज़।
और नंबर वन पे जो है वो हमारा डिवाइस है इन्फिनिक्स हॉट टेनेस। जी हाँ, हमने इन्फिनिक्स हॉट टेनेस को इसलिए कंसिडर किया है क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ये मीडियाटेक हीलियो G85 प्रोसेसर के साथ आता है, साथ में इसमें 6000 मिली एम्पियर आर की ह्यूज बैटरी देखने को मिल जाती है। 8GB रैम और 64GB रोम के साथ आने वाला ये डिवाइस का जो बेस्ट फीचर है वो है 90Hz का रिफ्रेश रेट। इसके पीछे हमने जितने भी डिवाइसेस की बात करें सब में जो है वो 60Hz का ही रिफ्रेश रेट आता है, लेकिन ये डिवाइस जो है वो आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलता है। और अगर आप इसमें अगर पबजी खेलते हो तो कॉन्फ़िग फाइल लगा के आप इसको 90fps पे भी चला सकते हो क्योंकि इसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। साथ ही आपको 45MP का कैमरा भी देखने को मिल जाता है, हालांकि कैमरा का गेमिंग में कोई रोल नहीं होता। तो यही थी आज की वीडियो गाइस, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।